हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें सबसे बड़ी भागीदारी कांग्रेस की है झामुमो के बाद, और कांग्रेस की हर गतिविधि पर जनता की नज़र है और लोग ये चाहते हैं कि सरकार को चलाने में कांग्रेस की क्या भूमिका है, पहली बात। दूसरी बात कि कांग्रेस अपने संगठन के स्तर पर क्या कुछ कर रही है, अपने विस्तार को लेकर क्या कुछ कर रही है, और कुछ और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम इस वक्त आए हैं। कांग्रेस के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी, इनके पास, क्योंकि इनको जो चुनौती मिली है जिस रूप में ये राज्य मिला एक प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व के नाते, वो एक सत्ता के साथ इनको राज्य मिला है, और जाहिर सी बात है कि जब सत्ता हो तो चुनौती भी ज़्यादा होती है। पहला सवाल तो राजेश जी आपसे हम यही करेंगे कि मांडर उपचुनाव हो रहा है, 3 उपचुनाव आप लोगों ने बड़ी आसानी से निकाले और उस समय की परिस्थितियां अलग थीं, आज जो मौजूदा हालात है वो बिल्कुल अलग है। सरकार कई मोर्चों पर घिरी हुई है, कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक, जो आप जान रहे हैं। आप बताइए कि राज्यसभा चुनाव में आप लोगों के बीच का एक अंतर जो मतभेद था वो नज़र आया था, लेकिन अब मांडर उपचुनाव में आप पाट रहे हैं, पाटने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई एकजुट होकर आप लड़ रहे हैं चुनाव? नहीं, बिल्कुल एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। और आपने देखा, ठीक है, जब 3 दलों का गठबंधन होता है तो कई सारी बातें आती है सामने, सबके अपने अपने हक है, अपने अपने हिस्सेदारी की लोग बात करते हैं, और इसमें कई बार आप देखेंगे कि कहीं लगेगा कि वो अपमानित हो रहे हैं, कभी लगेगा वो अपमानित हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम जनता को केंद्र बिंदु में रख के देखते हैं तो सब चीज़ें ठीक लगती है। ये थोड़ी बहुत बातें चलती रहती है, जब भी कोई 2-3 विचारधारा के लोग एक साथ मिलेंगे, ठीक है समान विचारधारा है लेकिन अपनी अपनी सबकी ज़रूरतें हैं, तो उस हिसाब से जब बात होती है तो कई बार इस तरह की बात सामने आती है। लेकिन गठबंधन का धर्म यही है कि एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखेंगे तभी जा करके कोई समझौता हो पाता है और उस समझौते का निर्वहन हो पाता है। उस समझौते का निर्वहन आप बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो राज्यसभा की बात आई गई, आपने देखा जब महुआ मांझी जी को प्रमाण पत्र मिल रहा था, हम लोग सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। आपने देखा जब बिटिया शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव के नामांकन में जा रही है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी साथ में जाते हैं, हमारे अभिभावक हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी साथ होते हैं, राजद के लोग साथ होते हैं, तो निश्चित रूप से बातें इस तरह की चलती रहेगी। और जब जब जिंदा लोग होते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें होती है, ये कोई विशेष मायने नहीं रखती। हाँ, ये जरूर है कि कई बार जो विधायकों की तकलीफ होती है तो विधायक की अपनी कोई तकलीफ नहीं होती, वो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं उनकी मजबूरी होती है कि वो बोलेंगे, और अपनी बात को अगर सरकार तक पहुंचाते हैं अपने लोगों की बात को, उसमें कई बार मीडिया के माध्यम से ये बातें आ जाती है कि नाराज़गी है। निश्चित रूप से वो नाराज़गी भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि संजीदा विधायक हैं जो लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं या उसका समाधान चाहते हैं, तो हमें नहीं लगता कहीं कोई विशेष दिक्कत की बात है। आपने देखा शिल्पी नेहा तिर्की जिस दिन से चुनाव मैदान में घोषणा हुई है उस दिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से क्या देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आ गए कि उनको विश्वास जो उन्होंने खोया था आदिवासी भाइयों का, उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने विश्वास रैली नाम रख दिया। विश्वासघात करके विश्वास नहीं पा सकते। जिस गंगोत्री कुजूर को आपने विश्वासघात के साथ पिछली बार मैदान में नहीं उतारा था, या यूं कहिए कि जिसको आपने पिछली बार देव कुमार धान को उतारा था उनके साथ आपने विश्वासघात किया, अब विश्वासघात करके आप और विश्वास रैली उसका नाम रखेंगे, तो एक कंट्राडिक्टरी है। हमें लगता है कि थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बराबर जनता के बीच में रहे। ठाकुर साहब, आप मेरे सवाल को आप एक पॉलिटिक्स में लेके आए, बीजेपी की रैली, नड्डा जी आए, चलिए ये तो बातें हैं, आप राजनीति करेंगे, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि विधायकों में कुछ मुद्दों को लेकर एक तरीके से कहें नाराज़गी है जो दिखती भी है। आप ये बताइए कि ये नाराज़गी दूर करने का एकमात्र प्लेटफॉर्म बनना था वो था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का। आपके प्रभारी आके कई बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, उनसे आग्रह भी कर चुके हैं, कई बार दबाव भी डाला गया है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर ही सरकार नहीं आ पा रही है। नहीं, देखिए ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हल हो जाएंगी। देखिए,
सच्चाई तो यह है कि 1.5-2 साल हम लोग कोरोना में अपना खो दिए, बावजूद जो हम लोग कॉमन मिनिमम की बात जब होती है तो यही होती है कि जो हमने 2 लाख कर्ज माफ़ी का वायदा किया था किसानों से, उसको हमने 50,000 रुपये के हिसाब से उनको ऋण मुक्त करने का काम किया। जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उसमें हम लोगों ने मिलजुल करके, सबका पैमाना क्या होता है, गठबंधन में कॉमन क्या होता है, कॉमन जनता होती है कि जनता के लिए क्या काम किया जाए, तो उसको तो लेकर के हम लोग चलते हैं। हाँ, एक खाका खींचा जाना चाहिए, जब भी कोई काम होता है अगर वो नियमित तरीके से होगा तो निश्चित रूप से उसका फलाफल पूरी कब तक होगा। ठाकुर साहब, कब तक होगा, इसके लिए भी आप लोग वेट करते रहेंगे? ये समझते हैं कि जो अभी एक बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ, तो मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई है हम लोगों ने मिल करके, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको नाम दिया गया है, उस पर उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आपने देखा जिस दिन कमेटी बनी उसके दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी को अपनी माँ को दिखाने जाना पड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लगातार हम लोग मिलते रहते हैं और अपनी भावनाओं से अवगत कराते रहते हैं, और हम समझते हैं कि ये जो आने वाला समय है इसमें बहुत जल्द ये सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि क्या वाकई कांग्रेस उस पोजीशन में है झारखंड में सत्ताधारी बतौर दल के रूप में कि वो अपनी बात मनवाए? आप आग्रह के मोड में हैं, आप उस पोजीशन पर हैं कि सरकार को जो चाहें वो करा सकते हैं, घुटनों पर भी ला सकते हैं, लेकिन आप हमेशा आग्रह की स्थिति में क्यों चले जाते हैं? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा चाहते हैं, और इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो जनकांक्षाओं की सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार, उसमें फूट पड़ जाए। तो हम किसी को झुकाने के लिए नहीं, आग्रह तो करना ही होगा। अगर हमने उनको मुख्यमंत्री माना है और पूरा अपने विधायक दल का नेता चुना है गठबंधन का, तो आग्रह करना होगा। मुख्यमंत्री हैं, कोई मंत्री से विधायक आग्रह करेगा और बोलेगा कि नहीं आग्रह नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? जनता का हक है, फिर भी जनता को आग्रह करना पड़ता है पत्र के माध्यम से और आदि आदि के माध्यम से, तो इसमें कहीं कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं। हम समझते हैं ये अच्छी एक पहल होती है, और आग्रह, निश्चित रूप से आग्रह अनुरोध से ही सारी चीज़ें संभव हो पाती है, उसको हम मानने वाले लोग हैं। मतलब, और कांग्रेस का एक अपना संस्कार है, मतलब उसको हम नहीं छोड़ सकते। आपको लग रहा है कि बीजेपी चाहती है कि कुछ केमिकल लोचा कर दे दोनों पार्टियों के बीच में, ही ना? नहीं, आपने केमिकल लोचा किया तो उसका भुगत रही है, पहले आजसू से झगड़ा कर लिया और फिर अब आजसू के आगे घुटना टेक रहे हैं, तो उसका नुकसान तो होता ही है। एक सवाल ठाकुर साहब बताइए कि आप लोग जब सत्ता में आए, पहली बार ऐसा हुआ है कि 2014 में एक पार्टी सत्ता में उस तरीके से कंफर्टेबल रही, और अभी एक ये जो कॉलिशन की गवर्नमेंट है वो कंफर्टेबल मोड में दिखती है आंकड़ों के लिहाज से। आप लोगों ने जो कमिटमेंट किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हर घर से रोजगार, और नहीं दिए तो बेरोजगारी भत्ता, उस प्लेटफॉर्म पर आप फेल हैं आज तक। दूसरा, उर्दू को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिला और हिंदी हाशिए पर, ये दोनों जो सवाल हैं वो यहाँ यूथ में और तमाम सेक्शन में ये चल रहे हैं और कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है, कहाँ है उसका, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, हम समझते हैं कि इस तरह का सवाल जो पूछने वाले लोग हैं वो शायद प्रधानमंत्री जी से भी कभी एक आध सवाल पूछ लेते कि उन्होंने जो रोज़गार देने की बात कही थी प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को, और अगर वो रोज़गार दे रहे होते और देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है अच्छी होती, तो आज शायद इस तरह से लोगों की हालत नहीं बनती। आपने कहा कि रोज़गार हमने नहीं दिया, हम कह रहे हैं कि हमने रोज़गार दिया। जब बिना किसी बात के पिछले 5 वर्षों में 23 लोगों की भूख से मौत हुई थी, कोरोना जैसे काल में भूख से अगर कोई मौत की खबर आई हो तो आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं जितना समझता हूँ और जो हम लोग समझ पाते हैं, उस दौरान जितने भी लोग पूरे देश भर से लोग लौट के आए, सबको हमने मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने का काम किया। हाँ, ये सही है कि पिछले कई वर्षों से न JPSC का एग्ज़ाम होता था, अब हमने JPSC का एग्ज़ाम भी करा दिया, रिजल्ट भी दे दिया, अब फिर इंजीनियर का रिजल्ट होने वाला है। तो अब देखिए, कई लोग कई तरह से सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, आप हमें खुले मन से काम तो करने दें। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी कैसे नहीं है, आज ही के अखबार में आपने पढ़ा होगा जो पास करेगा 30% हिंदी में उसको पास करना होगा। तो कई तरह की बातें को घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं आपस में द्वेष पैदा करके
और सरकार को साधने की कोशिश होती है। ये जितने भी बेरोजगार हैं, ये जितने भी लोग हैं, उस 5 वर्ष के जो डबल इंजन की सरकार थी उसका दंश झेले हुए लोग हैं। हमने नहीं किया है कुछ, हमने रास्ता बनाया है। आप देखिए अभी 55,000 लोगों की नियुक्ति होने की बात हो रही है। नहीं, आप वो मैं जान रहा हूँ ठाकुर साहब, और इसमें कोई शक नहीं कि आपकी जो सरकार आई, इसने जो यहाँ का सबसे बड़ा जो एक मुद्दा था पारा शिक्षकों का, उसको भी आपने सॉल्व किया, JPSC की परीक्षा भी कराई, लेकिन कुछ नियमावलियाँ ऐसी बनी जिसकी वजह से सरकार कटघरे में है, हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, बात हम थोड़ी संगठन को लेकर कर लेते हैं। आप एक सत्ताधारी दल का नेतृत्व कर रहे हैं, आज तक आप कार्य समिति का गठन नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। नहीं, मुझे लगता है कि ये भी एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। कार्य समिति का गठन एक अलग विषय है। आप अगर मेरे से ये पूछ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले 5 वर्षों से हम लोगों ने एक सिस्टम अलग सा बनाया हुआ है। 4 वर्किंग प्रेसिडेंट होते हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, अभी कन्वेनर हम लोगों ने बनाया है। तो संगठन का काम करने का अपना अपना एक तरीका होता है। पिछले प्रभारी थे, कुछ और तरीके से काम कर रहे थे, नए प्रभारी आए हैं, उन्होंने पहले समन्वयक की जिम्मेदारी दी, संयोजक की जिम्मेदारी दी, और वो देख रहे हैं कि कैसे लोगों का कितना काम इनपुट कांग्रेस पार्टी को मिलता है और कितनी संगठन सशक्तिकरण हो पाती है। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम जो आप जिस कार्य समिति की बात कर रहे हैं उस कार्य समिति का गठन हो जाएगा। हम समझते हैं कि जो पिछले 4-5 वर्षों में इस तरह की बातें सामने आई है तो वो एक प्रक्रिया अलग थी, उसमें हम लोगों ने अलग तरीके से काम किया है और उसका फलाफल भी मिला है। हम जो 6 सीट पे थे, हम 16 सीट पे आए, 2 सीट पर लोग अपने आप हमारे साथ जुड़ गए बिना शर्त के, आदरणीय प्रदीप यादव जी, बंधु तिर्की जी, तो कुछ न कुछ पार्टी में दम रहा होगा तभी लोग जुड़े हैं। तो हम समझते हैं ये निरंतर प्रक्रिया है और उसको हम लोग जल्द पूरा करेंगे। मैं समझ गया, चलिए, ये तो आपके जो एक अभी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं अजय कुमार, उनके समय में हुआ था, उसके बाद से नहीं है, ये पेंडिंग है। वित्त मंत्री रामेश्वर बाबू थे, उस समय भी नहीं हो पाया। चलिए, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस पर आगे बढ़ेंगे। एक सवाल आपसे हम अंतिम सवाल लेना चाहेंगे कि कहते हैं कि जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो कार्यकर्ताओं की, नीचे लेवल पे जो लोग भी होते हैं, उनकी एक अपेक्षा होती है। झारखंड में तमाम बोर्ड, निगम, ये सब खाली पड़े हुए हैं, इक्के दुके जगहों पे लोग आए। आप लोग इस पर बार बार बातें होती हैं, 20 सूत्री की बात तो छोड़ दीजिए, मैं उस पर बात भी नहीं करूँगा। ये बोर्ड, निगम, तमाम चीज़ें खाली रहने से काम भी प्रभावित होता है, और आप लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग उस दिशा में, कब तक बढ़ते रहेंगे ठाकुर साहब? देखिए, हमारा सबसे पहले मूल मकसद ये था, देखिए आप अगर इस तरह से देखेंगे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है तो देखना सही नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर 20 सूत्री में हमने सबसे पहले प्रयास किया कि 20 सूत्री बने और 15 जिलों में 20 सूत्री बने हैं, ताकि जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसको भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, उसको वृद्धा विधवा पेंशन में सहूलियत मिले, उन सारी चीज़ों की शुरुआत हो गई है। 9 जिलों का होना है और 9 दिन में हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक वोट निगम की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 साल में क्या हश्र रहा। जो लोग काम करने लायक थे, आप हो या हम हो, हम लोग घरों से नहीं निकलते थे, तो ऐसे में जरूर विलम्ब हुआ है। लेकिन ये भी कुछ लोग, चंद लोग बात करते हैं, चंद लोग मीन्स जहाँ लाखों लोग जुड़े हुए हों पार्टी में, वहाँ ये 15 बोर्ड निगम है, उसमें 7 हमारे हों, 7 उनके हों, इससे ज़्यादा का मामला नहीं है। बावजूद ये तूल दिया जाता रहा है शुरू से। वो ठीक है कि जब वो कोई संस्थाएं बनी हुई हैं तो उसमें नामित होना चाहिए, लेकिन काफ़ी सोच समझ करके ये चीज़ें होती है, उसमें कई बार वक्त लगता है। हमें लगता है कि बहुत जल्द ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छी बात है। जो लोग आपसे गुहार लगाते हैं और निश्चित रूप से लगातार कहते होंगे सवाल उठाने को, उन लोगों का काम बहुत जल्द हो जाएगा। लास्ट सवाल ठाकुर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप बतौर एक पार्टी अध्यक्ष अपनी इस पार्टी को, जब से आपने कार्यकाल संभाला है, कहाँ तक आप काम कर पाए? मेंबरशिप प्लान अभियान हो, अभी आप लोग बहुत लंबा कुछ प्लान कर रहे हैं आगे कार्यक्रम सब करने का,
आप बताइए कि इस पार्टी, क्या ये पार्टी इस राज्य में पिछलग्गू वाली स्थिति में ही रहेगी कि हम पीछे से ही किसी कोई सरकार आए हम उसके साथ जुड़े? एक नेशनल पार्टी है, ये फ्रंट फुट पर बड़ी पार्टी कब बनेगी? इसके लिए क्या हो रहा है आपकी तरफ? नहीं, देखिए, हम लोग लगातार जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, जन जागरण का कार्यक्रम हो, संगठन सशक्तिकरण का कार्यक्रम हो, सबको बिल्कुल सही तरीके से करने का काम किया है। एक एक प्रखंड पंचायत दौरा करने का काम किया, एक महीने के अंदर अपने कार्यकाल के अंदर 2400 जिला का दौरा कर लेना, ये अपने आप में एक उपलब्धि मानी जानी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को, जो लोग आप कह रहे थे अभी बोर्ड निगम की बात, ज़्यादातर लोगों को इस बात का मलाल है कि हमारे अध्यक्ष हमारे बीच नहीं आते। उनकी एक इच्छा होती है कि प्रदेश अध्यक्ष गांव पंचायत तक आए। अब तो हम पदयात्रा करने जा रहे हैं, अब पूरे प्रदेश में पदयात्रा होगी, तमाम बड़े नेता, छोटे नेता, कार्यकर्ता एक साथ मिलजुल कर जब पदयात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से जुड़ाव बढ़ेगा। और भारत जोड़ने का जो हमने संकल्प लिया है, भारत जुड़ेगा, जैसे ही भारत जुड़ेगा कांग्रेस सीधे अपने आप मजबूत हो जाएगी। हम लोग कोई एक ध्येय लेके नहीं चल रहे हैं कि इतनी सीटें जीतनी है, लोगों के दिलों पर, दिलों को जीतना है और उनके जो मुद्दे मसाइल हैं उन पर काम करना है। आप देखिए, हम लोगों ने यूनिवर्सल पेंशन लागू किया, अब वो कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है ये तो देखना हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। हम चाहें कि घर बैठे सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो संगठन को सशक्त करने के लिए हमने तमाम प्रयास शुरू कर दिए हैं और हम समझते हैं आने वाला समय जो है कांग्रेस का होगा। और हमने पहले ही कहा है कि आ रही है कांग्रेस, आ रही है कांग्रेस। आप राजेश ठाकुर जी ने एक बात कह दी कि आ रही है कांग्रेस, झारखंड में कांग्रेस है, लेकिन आ रही है का संदर्भ ये है कि जो एक समय था कांग्रेस का, जिस तरीके से वो राजनीति के फलक पर कांग्रेस चमका करती थी, बात उसकी हो रही है। अभी एक पिछलग्गू वाली स्थिति में है, उम्मीद ये कर रहे हैं कि हम कांग्रेस को फिर से खड़ा कर लेंगे, लेकिन वैचारिक मतभेद इस पार्टी में इस कदर हावी है जिसका नतीजा है कि विधायक कुछ कहते हैं, पदाधिकारी गण कुछ कहते हैं, प्रभारी कुछ कहते हैं, नतीजा कुछ और निकल जाता है। लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कांग्रेस आखिर कहती क्या है और करती क्या है। राजेश ठाकुर जी से एक उम्मीद है, जैसा कि उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूत होगी और आ रही है, देखते हैं कांग्रेस कब तक आ रही है, झारखंड में कहां और क्या मुकाम हासिल करती है। राजेश कुमार सिंह, ETV भारत, रांची।